स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित अरुंदर। दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच वर्ल्ड कप T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा एनालिसिस मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं। सबसे पहले एक छोटा सा काम, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी क्रिकेट से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के पास आने वाले हैं। मैच द मैच एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं करता हूं और वो बहुत रोचक रहती है, आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे। तो एक तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रिकेट से जुड़ी बारीक चीजें स्पेशली जो क्रिकेट लवर है उनको जरूर पसंद आएगी। तो चैनल और वीडियो दोनों के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज टीम ने जिस तरीके से अब तक का वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस रहा है, हम सभी जानते हैं वेस्ट इंडीज टीम ऑलमोस्ट एक या दो प्लेयरों पर निर्भर करती है। स्पेशली आज के दौर में पिछले 6 महीने के अगर एनालिसिस का निचोड़ निकालता हूँ तो केवल मैथ्यूज या कैसे बल्लेबाज या गेंदबाज या खिलाड़ी कह सकते हैं कि जिस पर पूरी वेस्ट इंडीज टीम निर्भर है। गेंदबाजी में जो भी विकल्प है नित नए विकल्प नजर आते हैं लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिला है। पहले वेस्ट इंडीज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और स्पेशली जो कैप्टन टेलर टीम के साथ जुड़ रही है और उसके बाद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये कुछ चीजें देख के अच्छा लगा कि वो एज ए ओपनर टीम में आई और बढ़िया करा कि 40 रन के प्लस का स्कोर किया है। अच्छा, जो मैथ्यूज के ऊपर बर्डन था उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की है। और ये देखिए जिस तरीके का स्कोर ओवरऑल 118 रन का स्कोर किया, इसमें पूरी टीम ने कैम्बल हो चाहे मैथ्यूज हो सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पर हाँ, मैथ्यूज की बात करूंगा 2 रन को वो आउट जरूर हो गई है लेकिन अगर वो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को स्टडी रख पाती, थोड़ा सा आई थिंक और वेट कर लेती तो शायद ये स्कोर नियर बाय 140 के आसपास होता और तब ये 41 टोटल होता। क्योंकि जो चीज वेस्ट इंडीज को चाहिए थी एक मिडिल ऑर्डर और एक टॉप ऑर्डर, इनमें एक स्थिरता चाहिए थी वो नजर आ रही। एक खिलाड़ी और वेस्ट इंडीज की टीम में मिसिंग है, वो है डॉटिन। मैं डॉटिन को एक बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार करता हूँ और वुमेन विश्व क्रिकेट में महिला विश्व क्रिकेट की बात की जाए तो जिस तरीके से आपका दीप्ति शर्मा है, आसल पैरी है, गार्डनर है, आपका मैजक कैंप है, अमूमन डिवाइन है, सीजर है, बहुत से ऐसे ऑलराउंडर हैं जो काफी बेहतरीन निदादार है पाकिस्तान की, तो ये उनमें डॉटिन का नाम बखूबी शुमार किया जा सकता है। बेहतरीन ऑलराउंडर है लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से टीम के साथ नहीं है, लेकिन देख के ये अच्छा लग रहा है कि टेलर ने टीम के साथ ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी बात ओपन, अमूमन टेलर थर्ड या फोर्थ डाउन पे बल्लेबाजी करती है और जब तक टीम का मोराल जो है वो डाउन हो चुका होता है, ओपनिंग स्लॉट पूरी तरह से बिखर चुकी होती है और मिडिल ऑर्डर में फिर कुछ खास करने के लिए बचता नहीं है। और जब तक डॉटिन की टेलर की बल्लेबाजी आती है समथिंग आई थिंक उनके हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाती हैं। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, 42 रन बनाया 40 गेंदों में, स्टडी रही है, स्टेबल रही है, ज्यादा आक्रामकता दिखाने की कोशिश नहीं की और मैं कहूंगा कि बेसिक T20 के हिसाब से स्लो परफॉर्मेंस है। हम सभी जानते हैं T20 मींस कि आप अगर 40 गेंदें खेल रहे हैं, आज की वुमेन्स टीम भी मेंस टीम से कम नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका टीमों को उठा के देख सकते हैं कि ये ओवरऑल नियर बाय 200 का स्कोर भी कर चुके हैं तो खिलाड़ी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से टेलर का अब तक का सफर रहा है, इन आउट की पोजिशन रही है, मैं कहूंगा ये बेहतरीन शुरुआत थी उनके लिए और आगे आने वाले मैचेस के लिए वेस्ट इंडीज के लिए बेहतरीन शुरुआत है। वैसे कि मैच हारे हैं वो लेकिन जो स्थिरता चाहिए थी, जो एक ना स्टेबिलिटी, खिलाड़ी का टीम में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है और वो पोजीशन जो हम सब जानते हैं कि ओपन स्लॉट ऐसा है जहाँ बेहतर करिए, जहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, सामने वाली टीम को एक फाइट बैक दे सकते हैं, वो ओपनिंग जोड़ी पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। मैथ्यूज लकी रहे और इसका मेन कारण क्या था, पूजा वत्सावकर की गेंदबाजी। अमूमन पूजा वत्सावकर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, भारतीय टीम में उनकी सेवाएं ज्यादा नहीं ली जाती है, एज ए बॉलर नहीं ली जाती है, मैं ये कह सकता हूँ। मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी को दर नीचे किया जाता है, बहुत हद तक वो काफी नीचे 6-7 नंबर तक आती है जब तक कुछ करने के लिए बचता नहीं। लेकिन आज हरमनप्रीत कौर ने उनको ओपन करवाया रेणुका सिंह के साथ गेंदबाजी में और फर्क देखने को मिला। मैथ्यू जो बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, हम सभी जानते हैं उनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो जिस तरीके से उन्होंने उनको सेटअप किया, सबसे बड़ी बात सेटअप करने के बाद उनकी विकेट निकाली है, बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी थी। एक मैं कह सकता अच्छे कदकाठी की खिलाड़ी है, गेंद को डिप करती है और कंधा अच्छा यूज करती है जिसका फायदा उन्हें मिला मैथ्यूज की जो विकेट निकाली। लेकिन उसके बाद से कैम्बल और टेलर ने एक अच्छी भूमिका निभाई, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी जो एक
आपको चाहिए होता है ना कि एक एक स्टेडी शुरुआत हो, उसमें एक 50 से 60 रन की पार्टनरशिप हो T20 मैच के लिहाज से, उसके बाद से मिडिल ऑर्डर मिले बाहर, वहां से उसे और आगे बढ़ा सके। ये वो शुरुआत थी, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर जिसके बाद काम करना था, जो मैच को बूस्ट देना था, वो शायद कहीं वेस्ट इंडीज टीम नहीं कर पाए। हेनरी, क्रिस्टोफर हेनरी अच्छी बल्लेबाज है, उनकी बल्लेबाजी में दमखम है, स्ट्रोक्स बड़े लगाती हैं, लेकिन शायद इस बार वो और भारतीय स्पिन अटैक के सामने किसी भी गेंदबाज का चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम हो, चाहे वो न्यूजीलैंड टीम हो, कोई भी टीम हो, कि स्पिन अटैक भारत का बहुत शानदार है। कैंपबेल की विकेट दीप्ति शर्मा ने निकाली, टेलर की विकेट दीप्ति शर्मा ने निकाली, और हेनरी जो रन आउट हुई और वो बहुत क्रुशियल पॉइंट पर उनका विकेट गया था, क्योंकि जिस समय वो रन आउट हुई है वो हाँ उनकी बहुत जरूरत थी वेस्ट इंडीज टीम को। इसका पूरा पूरा नेशन 21 रन, गजनवी ने 15 रन बनाया, लेकिन वो फुल स्लो डाउन होता क्योंकि शुरुआत में ही तकरीबन दोनों ही कैंपबेल और टेलर ने मिलकर तकरीबन 12 ओवर का कोटा अपने आपस में बांट लिया था। 76 गेंदों को इन्होंने यूज किया है और तकरीबन 76 गेंदों में इन्होंने 72 रन बनाया, तो आप ये मान लीजिए कि तकरीबन 12 ओवर इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो थोड़ा सा मैं कहूँगा हार्श रहा वेस्ट इंडीज टीम के लिए, वो जो 70 रन आए हैं उनके, वो तकरीबन 60 गेंद या 50 से 60 के बीच में आते, तो जो 15-20 गेंद एक्स्ट्रा मिलती है उसका फायदा उन्हें मिलता, लेकिन मिलती कैसे, क्योंकि भारतीय स्पिन अटैक इतना शानदार है, जिस तरीके से दीप्ति शर्मा ने पूरे मैच को अपने अपने कंट्रोल में ले लिया था, जब वो दोनों विकेट शॉट बल्लेबाज को आउट किया, और दीप्ति शर्मा का लूप गेंदबाजी का वो सबको विचलित कर देता है जिस तरीके से वो गेंद डिलीवर करती है। उसके बाद से आपका मैं ये कहूंगा कि नेहा वर्मा की गेंदबाजी रही, राधा यादव की, और देखिए भारतीय टीम में गेंदबाज स्पिन गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपके पास विकल्प है, वो बहुत ज्यादा है। भारतीय टीम में इस समय मैं काउंट कर सकता हूं 7 गेंदबाजों को उन्होंने यूज किया है, और 7 गेंदबाजों से आपकी 4 गेंदबाज रेणुका सिंह, पूजा वत्सवलकर, गायकवाड़ और दीप्ति शर्मा ने 4-4 ओवर अपना कोटा पूरा किया। उसके बाद से विद्या, राधा यादव और शेफाली वर्मा, एक एक ओवर मिला है। तो ये एक चीज है कि आप कितना रिलायबल है अपने प्लेयर्स पे, कितना आपको भरोसा अपने खिलाड़ियों पे, वो ये दर्शाता है। स्नेह वर्मा हम सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा कि अगर ये गेंदबाजी ऑप्शनल है, ये भारतीय टीम के पास एक ब्रेक थ्रू बॉलर है, किसी भी स्टेज पर विकेट दिलाती है। लेकिन वही मैं बात कह रहा हूँ कि आज पूजा वत्सवलकर को पूरा ओवर दिए गए तो इनके ओवर काट लिए गए, चाहे वो राधा यादव है, चाहे वो स्नेह वर्मा है, तो विकल्प बहुत मायने रखता कि आपका विकल्प कितने हैं, और वो जस्ट पास टाइम विकल्प नहीं है कि आपने टाइम पास के लिए एक बॉलर, हम सभी ऐसा क्रिकेट में होता है ना कि मेन बॉलर एक विकेट नहीं निकाल पाता, तो पार्ट टाइमर को थोड़ा यूज किया जाता है, एक दो ओवर का ब्रेक थ्रू दिया जाता है, वहाँ मोराल थोड़ा सा सेट बल्लेबाज का डाउन होता है, वो थोड़ा सा विचलित होता है, और वो क्रुशियल पॉइंट होता है विकेट निकालने का। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उल्टा किया, और एक पूजा वत्सवलकर जो शायद पूरे अपने करियर के दौरान पूरा स्पेल कर पाना बड़ा मुश्किल रहा होगा उनके लिए, लेकिन आज 4 ओवर किए उन्होंने, और 4 ओवर में एक मैडन 21 रन, ताकि भारतीय टीम को उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं कहूँगा कि बढ़िया गेंदबाजी के साथ आप निकलें वो ज्यादा बेहतर है। वेस्ट इंडीज टीम 118 रन जो प्लस पॉइंट रहा, मैं कहूंगा वेस्ट इंडीज टीम इस मैच को हार की उससे ना देखे कि भारत के खिलाफ से हार मिले, उसे इस हिसाब से देखना चाहिए, सबसे पहले उनका कैप्टन फॉर्म में नजर आ रहा है, उसके बाद से जो मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस है, चाहे वो नेशन है, चाहे वो कैंपबेल है, वो अच्छा खेलती है दिख रहा है। मैथ्यूज एक मैच है, वो आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, गेंदबाजी का ऑप्शन उनके पास है और विकेट वो निकालती है, तो वो अपना 100% किसी फील्ड में दे सकती है। लेकिन जब 118 रन के लक्ष्य का पीछा भारतीय टीम करने उतरी, आई थिंक एक स्टेज पे ऐसा पोजीशन भारतीय टीम के लिए आया था जहां थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही थी। स्मृति मंदाना जो पहले मैच में नहीं खेली थी, इस मैच में खेली और वो 10 रन के व्यक्तिगत तौर पर स्कोर पर स्टंप आउट हुई रामबेक की गेंद पे, और वहां थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भारतीय टीम को नजर आता दिखता है, क्योंकि स्मृति मंदाना जैसी प्लेयर और 118 रन का स्कोर वेस्ट इंडीज टीम, क्योंकि देखिए माइंडसेट क्या था भारतीय टीम का कि हम वेस्ट इंडीज टीम को रैपअप कर देंगे जल्दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 118 रन, आई थिंक जो एंटिसिपेशन था ना हरमनप्रीत कौर का कि वेस्ट इंडीज टीम को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उससे थोड़ा अलग हुआ, उन्होंने थोड़ा उससे बेहतर परफॉर्मेंस किया,
उसके बाद स्मृति मंदाना के विकेट, जेमिना रॉड्रिक्स के विकेट जो पिछले मैच की स्टार बल्लेबाज रही है, उनकी पहली आई थिंक 5 गेंदे में एक कॉटन बॉल हर्ष मैथ्यूज ने किया। मैं मैथ्यूज को कह रहा था इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इनको ये नहीं कह सकते आउट ऑफ फॉर्म है और बल्लेबाजी नहीं चलती तो गेंदबाजी, ये एक ऐसा विकल्प है, ये खिलाड़ी जो आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट वुमेन्स में अगर नंबर वन की पोजिशन की दौड़ में देखा जाए तो पहले पायदान पर है। और गेंदबाज है, निराधार है, चाहे आपका दीप्ति शर्मा है, चाहे आपका मिर्जा कैंप है, चाहे अश्ले पैरी है। अश्ले पैरी भी अपने आप को एज ए कैप्टन जिस तरीके से यूज करती है, अगर वो स्टार्टिंग में एक आध ओवर करती है और वहां अगर किसी और बॉलर ने विकेट निकाल ली तो वो अपने आप को फिर वो ओवर्स नहीं देती, बल्लेबाजी में भी कभी अपने आप को नीचे प्रमोट करती है क्योंकि उनके पास विकल्प इतने हैं। लेकिन मैथ्यूज पूरे ओवर का कोटा निकालती है, बल्लेबाजी में अपना 100% देती है। आई थिंक नंबर वन की दौड़ में बहुत आ गए हैं। भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा विचलित समय था, शेफाली वर्मा एक रन से खेल रही थी, पिछले मैच में उन्होंने 30+ का स्कोर किया था, इस मैच में भी 28 पे खेल रही है। और उसके बाद से हरमनप्रीत की पार्टनरशिप, पिछले मैच में हरमनप्रीत 16 रन पे आउट हुई थी लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने स्टडी से, देखिए सभी ने चाहे वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हो चाहे भारतीय टीम, शेफाली वर्मा ने 23 गेंदों में 18 रन बनाए और हरमनप्रीत कौर ने 42 गेंदों में 33 रन बनाए। तो क्रूशियल पॉइंट्स क्या थे कि नर्व्स को होल्ड करके रखना है और ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, मैच सेशन बाय सेशन को मैच को फॉलो करना है, कहीं ना कहीं उसे रैप अप करने की कोशिश करनी है फॉर द मोमेंट अपने कब्जे अपने फेवर में, और ये देखने को मिला। और स्टार बल्लेबाज जिसकी चर्चा भी करनी बाकी है, ऋचा घोष पिछले मैच की स्टार, इस मैच की स्टार, जिस पोजीशन पर वो बल्लेबाजी करने आई वहां स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी भारतीय टीम के लिए। एक पार्टनरशिप जरूर बिल्डअप हुई थी हरमनप्रीत कौर और आपका शेफाली वर्मा के बीच, लेकिन वो इतनी ज्यादा काफी नहीं थी कि मैच विनिंग पॉइंट तक जा सके। शेफाली वर्मा ने वहां से गेयर बदला, 32 गेंदे 44 रन नॉट आउट की पोजीशन के साथ गई है और मैच को फिनिश किया है। इस खिलाड़ी के बारे में जितनी चर्चा करूं उतना कम है, अंडर 19 परफॉर्मेंस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा और उसको उसी परफॉर्मेंस को यहाँ पर दोहरा रही है। आई थिंक पिछले मैच में भी नंबर थर्ड या फोर्थ की रैंक थी, यहाँ पर भी वही रैंक है। तो जो मिडिल ऑर्डर T20 में चाहिए ना, जैसे मेंस टीम में आजकल कौन है, हार्दिक पांड्या, आप नोट करें इसे, हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है जो नंबर थर्ड फोर या कभी कभी फर्स्ट डाउन भी आते हैं और वहां से वो अकेले अपने दम पे स्थिति को टीम के फेवर में करते हैं, अपने कंट्रोल में करते हैं। और दो मैचों के एनालिसिस के हिसाब से ऋचा घोष भी वही कर रही है, कुड बी द ही विल बी द हार्दिक पांड्या। आई थिंक मैं ये कंपैरिजन फैक्टर नहीं दिखा रहा हूँ कि वो हार्दिक पांड्या है वो ऋचा घोष ही रहे, जो महिला टीम में कोई भी प्लेयर ये चाहे कि हाँ हम ऋचा घोष बने। आई थिंक वो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, दोनों मैचों में अपने आप को प्रूव किया है, भारतीय टीम के मेन स्तंभ बन के खड़ी रही। और गेंदबाजी जो वेस्ट इंडीज की रही है, तो भारतीय टीम ने मैच इतनी आसानी से अगर हम जो कह दें उतनी आसानी से इसे रैप अप कर नहीं पाई, 18 ओवर 1 गेंद में जीती है, तो कहीं ना कहीं वो ऋचा घोष की और वो बल्लेबाजी में थोड़ा सा भी कहीं रन आउट की पोजीशन होती तो दिक्कत हो सकती थी। गेंदबाजी कॉनवेल 2 ओवर 1 गेंद 27 रन, हेनरी 3 ओवर में 21 रन 1 विकेट, आपका मैथ्यूज देखिए 4 ओवर 12 रन 1 विकेट। मैं क्यों उनकी चर्चा कर रहा था, क्यों उनके बारे में इतने अब मैं कह सकता हूँ कसीदे पढ़ रहा हूँ कि इसका एक रीजन ये है कि ये खिलाड़ी आउट ऑफ बॉक्स है, किसी भी फील्ड में किसी भी पोजीशन पे और कोई भी काम उसको दो वो 100% करते हैं। उसके बाद रामबा को 1 ओवर में 14 रन 2 विकेट निकाले उन्होंने, अच्छी गेंदबाज है ये। उसके बाद फ्लैचर और फिर बाकी गेंदबाज जो सेलमैन है और या आपका गजनबी है, दैट वाज जस्ट शोकेस मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो कुछ परफॉर्मर प्लेयर है वो उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा वेस्ट इंडीज को अपने इस पारी से इस मैच से कुछ सीखना चाहिए, आई थिंक उन्हें ये संतुष्ट करना चाहिए कि इस मैच में उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद एक लंबे समय से नहीं हो रहा था, लंबे समय से टीम एक यूनिट में नहीं दिख रही थी, लंबे समय से टीम का मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था, गेंदबाजी कहीं ना कहीं मैथ्यूज के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन इस मैच में गेंदबाजी मैथ्यूज से थोड़ा हटके बाकी गेंदबाजों ने परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप अभी शुरुआती दौर में है और डॉटिन अगर वेस्ट इंडीज टीम के साथ जुड़ती है तो वेस्ट इंडीज टीम बाकी टीमों को कुछ भारी पड़ सकती है, कुछ अलग करके दिखा सकती है। बहरहाल भारतीय टीम के बारे में ये कहूंगा कि इसी तरह चलती रहे जिस तरह चल रही है और ये वर्ल्ड कप जरूर
भारतीय टीम की झोली में आ सकता है जो परफॉर्मेंस भारतीय, स्मृति मंदाना का भी परफॉर्मेंस आना बाकी है, और जब वो लय पकड़ेंगे तो शायद फिर किसी की जरूरत नहीं रहेगी। गेंदबाजी में भी रेणुका सिंह का एक परफॉर्मेंस जरूर आएगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा टॉप वन पोजिशन इंडियन टीम, टॉप वन बल्लेबाज स्मृति मंदाना, शिपाली वर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप, जेमिना रॉड्रिक्स जो इस समय की आई थिंक सबकी नजरें उन पे है, इस समय आईपीएल में उनकी ऑक्शन हो चुकी है भारतीय खिलाड़ियों का, और सबसे टॉप ऑर्डर पे मंदाना या फिर जेमिना रॉड्रिक्स, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि एक कहीं ना वो ये जो परफॉर्मेंस आ रहा है इनर बिल्ड खुशी है कि हमारा वैल्यू जो वुमेन्स आईपीएल में है बेहतरीन तरीके से सॉर्ट आउट हुआ है, तो उसकी वो खुशी परफॉर्मेंस में नजर आती है। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।